हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हमारा पूरा एक हफ्ता बहुत बिजी चल रहा है, हम रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यूजुअली हम ऐसे करते नहीं है, हमारी बहुत मोनोटोनस सी लाइफ है। लेकिन इस दफा हमने सोचा कि क्योंकि हमारे मियाँ भी घर पे हैं और सारे ही अवेलेबल हैं, तो कुछ ना कुछ करते हैं। 4-5 दिन हमने शादी अटेंड की है और आज हमारी एक वन डिश पार्टी है। यानी कि हम सब वन डिश सर की होती है, सब एक एक चीज बनाते हैं और किसी एक एक घर पे आप जाते हैं और सारे मिल बैठ के खाते हैं फैमिली टाइप। तो हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जल्दी वही यूजुअल जो हमारा स्टैंडर्ड मेरी जो एसओपी है, पहले मेरी बच्ची तैयार होगी, फिर छोटी बच्ची तैयार होगी और फिर मैं तैयार होंगी और आखिर में मियाँ तैयार होंगे। तो अभी चल रहे हैं, आपको भी लेके जाएंगे, ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे किसने क्या बनाया और क्या नहीं। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग करते हैं वन डिश, और जब करते हैं तो आपकी फेवरेट चीज़ क्या होती है बनाने के लिए। मैंने भी चीज़ बनाई है, मैं दिखाऊंगी मैंने क्या बनाया है। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ मेरी वीडियो को, तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, घर पे तो बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त, और ये क्या, ये शीशा जिंदगी में कभी साफ नहीं होगा। सबसे मुश्किल काम है इस वाले को काबू करना। चलो जरा लेट्स गो। ये कल की शादी के बाद मेरे सारे जूते ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं है और मैंने जूता निकाला था बहुत पीछे से। जब वो निकाला तो ये सारे आगे रह गए और वापस डालने का टाइम नहीं हुआ। तो आज ये सारे जूते वापस रखेंगे हम, लेकिन उससे पहले तैयार होंगे। मतलब अली, अगर मैं अपने कमरे में कोई चीज चेंज कर सकती ना, तो मैं ये लाइट चेंज करती। मतलब आप जहां भी खड़े हो ना, इसका रिफ्लेक्शन आता है, आपका चेहरा खराब हो जाता है, मतलब चेहरे पे रोशनी आ जाती है। तो आई थिंक वी शुड, चलो ठीक है, नेक्स्ट वन चेंज करते हैं। नहीं, फिर जैसे ये लगाएंगे, ये इसी झूमर के नीचे लेगी शांति की लाश। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? व्हाट डू यू वांट? बेबी मामा, मामा के आ जाओ, कपड़े चेंज करते हैं जरा। कम ऑन, लेट्स गो। ये तो सोने लगी। मैं भी आ रहा हूँ। ये भी माशाल्लाह से 2 साल पुराना सूट है, इसको हम पहनेंगे आज और देखेंगे पूरा आता भी है या नहीं। क्योंकि माशाल्लाह से जो सेहत बनाई है पिछले 2 सालों में, उसके बाद अक्सर चीज़ें नहीं आ रही। तो लेट्स जस्ट सी। वैसे तो ये हाँ आ जाना चाहिए। लेट्स सी। हम जल्दी से तैयार हो गए, शर्ट हमें आ गई है, कपड़े पूरे आ गए हैं अल्लाह का शुक्र। और ये हमने पहन लिया और ये साथ हमने जूते पहन लिए। हमने सफ़ार से लिए थे पिछले दिनों ईद पे। और ये इससे पहले कि आप सारे पूछें, इंस्टाग्राम पे मैं बता दूं कि ये 2 साल पुराना है जोड़ा और ये जनरेशन का जोड़ा है। हमने लज़ाने बनाया था और ये बेक नहीं किया, इसको असेंबल किया है, बेक हम वहीं पे जाके करेंगे। इसकी रेसिपी मैं इंस्टाग्राम पे दे चुकी हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। अब हम निकल गए, हमने जाना है DHA2, तो हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे और फिर वहाँ से अपडेट करेंगे आपको। A few minutes later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियां, पास्ता खराब ना, आई मीन लज़ानिया खराब ना हो गई। क्यों खराब हो गई? आमीन आमीन आमीन। इसकी इज्जत का सवाल है। कोई बात
कौन मुझे बेइज्जत करने वाला है? मैं क्रिटिक गॉर्डन रैमजे। हेलो, तुम क्या लेकर आए हो? इशू क्या लेकर आई हो? हेलो इशू, हाउ आर यू? ठीक। आई थिंक इनका पास्ता है। हाँ, ये सॉस है। नहीं, आई थिंक पास्ता भी अंदर है। ये भी सॉस है। अच्छा, ये आई थिंक चीज भी उन्होंने डालनी है, है ना? तो हलन बहुत अच्छी सेटिंग की आपने। मैं तो सेटिंग नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, सब कुछ ही बहुत अच्छा है। इतनी भूख लग रही है। क्या आपने क्या बनाया? मैंने तो वही पास्ता बनाऊंगी, ये सैलेड थोड़ा सा बनाया, मैंने कहा नहीं उसके साथ अच्छा लगता है बिरयानी के। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पता मुझे क्या लग रहा है, खीरा वैसे अच्छा लगता है दही में ना। खीरा, धनिया, पुदीना, मिर्ची, फूल कितने फ्रेश हैं आपके? लेकर आई थी, बहुत फ्रेश है। और कमरा कितना वो है, फ्रेश और हवादार। हाँ, ये देखिए फूल कितने अच्छे हैं। ये बहुत प्यारा प्लांटर है वाला, ये बहुत प्यारा प्लांटर है, लग रहा है इसके इसके ना हाइट से। तुम क्या लेकर आई? मैं लेकर आई हूँ हलीम। हलीम, चलो दिखाएंगे। ये कितना तो प्यारा है यार, देखो, लेट्स सी, आई लव दिस। ये हमारी सबसे सबसे फेमस शेफ, शेफ बेस्ट मामी, जिनके हमने सारा हमने इफ्तारी पे हर रोज इनके खाए। मैं इनका टैग कर दूंगी साइड पे लिंक, और आप देख सकते हैं इनका लिंक, और बहुत अच्छा था वाकई में, हमने बहुत एंजॉय किया। तो मैं इनका टैग कर दूंगी सारे, इनके पेज को देख लीजिए, और बेस्ट खाना बनाती है ये वर्ल्ड में। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है लीजा? बहुत मजे का। तुमने क्या बनाया? अच्छा, तुम नींबू तो काट लेना। अरूज मामी, आपने क्या बनाया? बिरयानी बनाई है। बिरयानी, चलो अच्छा दिखाओ भाई। यम्मी, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत मजा। हेलो शान, क्या सीन है आपके पास्ता का? हेलो, तो बहुत यमी लग रहा है, बहुत ही चीजी लग रहा है। मेरी यमी। और ये इनका घर जहाँ आए हुए, हमारी खाना, ये होस्ट है हमारी, ये हमारी होस्ट है आज की। ये हमारे पास्ता के अंदर सॉस जा रही है, बहुत यमी लग रहा है, पता है? सोच रही हूँ क्या क्या खाऊंगी। मुस्लिम से मुस्लिम के मुंह से बचाना ये चीज़ों, पता कि मुस्लिम का मुंह भी साथ ही काला हो जाए। यम्मी। नहीं, ये प्लेटिंग भी देख लेते हैं सर। क्या बनाया ये लीजा तुमने? ओह लीजा, वाओ। पर आप तो चिकन ही नहीं खाते यार, आप कैसे एक्सपेक्ट? ये खास तौर पे मैंने आपके लिए बनाई है। थैंक यू लीजा, अभी मैंने निकाली है। थैंक यू लीजा, लुक्स यम्मी, बहुत डिलीशियस लग रहा है। लीजा तुमने कैसे बनाया? लीजा रेसिपी रेसिपी शेयर करना लीजा, रेसिपी आपको मिलेगी इनके पेज पे, लेट्स कुक पे मिलेगी। फोन चेंज करना लीजा, वो इधर रखो, फूल बीच में रखे यार। म्यूट करने की। अच्छा, ये रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सीन है, ये तो बीमार
अगर तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई भाई मजा आया। मुझे नहीं पता डब्बे कहाँ है, मतलब एनी डब्बा डिस्पोजेबल डब्बा। डू यू नो व्हेयर इट इज? नो फाइन मान लो यू नो आई नीड टू आस्क समबडी लेट गो अगेन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाम के अंकल करीब से होंगे। ये बीवी है, दो बच्चे हैं, ये भांजी है और ये पागल है। बराबर उसे लगी है हाँ जी। तो हम घर आ गए, रात के 2 बज रहे हैं और घर आते आते इतना टाइम लग गया। खैर ये था हमारा एक फैमिली छोटा सा इवेंट, फैमिली का जो हमेशा हम करते हैं हर थोड़े दिनों बाद। तो इस दफ़ा हमने सोचा आपसे भी शेयर करें और आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज के व्लॉग में इतना ही, यहाँ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ और इंशाल्लाह कल परसों जब भी दूसरा व्लॉग बनेगा मैं पोस्ट करूँगी। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय।